हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में गेटवे ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर एंड वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग इन हिमाचल। मैं नरेंद्र सिंह संधू आपको आज सिखाऊंगा हाउ टू इंस्टॉल कैनल इमेज क्लास प्रिंटर नंबर LBP6030B/6030W। ये हर पर्सन के लिए है क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कोई भी प्रिंटर को कैसे हम इंस्टॉल करें। और प्रिंटर के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर का नंबर कितना है। जब भी आप प्रिंटर लें तो प्रिंटर का नंबर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली दिया होगा, इमेज क्लास LBP6030W। तो ये हमारा प्रिंटर है ब्लैक एंड वाइट। अब इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आपने प्रिंटर का जो है प्लग इन करना है, आपने पावर केबल लगाना है, फिर उसके बाद इसका यूएसबी केबल लगाना है अपने पीसी के साथ जहां पे आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल करने लगें। तो सबसे मेन बात है कि इस नंबर, ये जो आपका नंबर है, इस नंबर से आप कैनल प्रिंटर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर जो भी नया प्रिंटर है उसके साथ हमें एक ड्राइवर सीडी मिलती है कैनल की, तो ये एक ड्राइवर सीडी है जो आपके नए प्रिंटर के साथ ऑटोमेटिकली मिलती है। जब भी आप कोई प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये जो सीडी है इस पे, इसके बीच में ड्राइवर होते हैं, कैसे आप इंस्टॉल करेंगे इस चीज़ को आपको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सीडी को आपने जो आपका लैपटॉप या पीसी है उसके डीवीडी राइटर में इसको डालना है। तो ये मेरा लैपटॉप का डीवीडी राइटर है, आप सबसे पहले इसको आप यहाँ पे डीवीडी राइटर में इसको इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपके पास प्रिंटर की यूएसबी होगी, यूएसबी केबल, यूएसबी केबल को आप अपने लैपटॉप या जो आपका प्रिंटर है या डेस्कटॉप है उसको आप लगा दीजिए। ये यूएसबी जो है ये डायरेक्ट आपकी कहाँ से आ रही है, ये यूएसबी जो है डायरेक्ट आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इसको पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। सेकेंड स्टेप, आपने प्रिंटर को ऑन करना है, आप सेकंड सीडी को इंस्टॉल करने के बाद आप अपना जो प्रिंटर है उसको आप ऑन कीजिए। जब आप ऑन करोगे प्रिंटर तो हमारे प्रिंटर में यहाँ इंस्ट्रक्शंस शो होगी। आप देखिए अभी हमने यूएसबी को दोबारा से रिकनेक्ट किया है, अब आप क्या कीजिए जो सीडी है उसको आप इंसर्ट कीजिए। जब आप इंसर्ट करोगे तो आपके आगे यहाँ पे सीडी ऑटोमेटिकली रन करेगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। सीडी रन करने के बाद ये अपना सेटअप जो होता है वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट करेगी। आपने जब सीडी को सीडी रोम में डाला तो सीडी ऑटोमेटिकली रन होगी, तो ये वो इंस्ट्रक्शंस देगी। आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, ओपन और आप रन कर सकते हैं। तो आप जब भी सीडी जो आपकी प्रिंटर की सीडी है उसको आप इंस्टॉल करते हैं डीवीडी राइटर में, तो आपने सबसे पहले ऑप्शन में जाना है रन, जो ये रन वाला ऑप्शन है इसमें आपने क्लिक करना है और इसको रन करना है। तो मैं ये जो पब्लिश बाय कैनल इसका जो रन का सेटअप है उसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये खुद वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस मानेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंप्यूटर का, उसकी परमिशन को ओके किया। इसके बाद ये प्रिंटर जो है ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंटर की सीडी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखिए ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस पार्ट आते हैं, इसमें हमारे पास चार तरह के पार्ट दिए गए हैं। नंबर वन है आपका इजी इंस्टॉल इंस्टॉलेशन, दैट मीन आप डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं अगर विदाउट कोई नॉलेज तो इजी इंस्टॉल कीजिए। कस्टम इंस्टॉल, कस्टम इंस्टॉल का मीनिंग होता है कि आप कोई पर्टिकुलर ड्राइवर में या किसी और अदर प्रोग्राम या किसी फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कस्टमर उसमें जाना है। नेक्स्ट आ गया स्टार्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्टार्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज कन्फिगर योर सेटिंग, जो ऑटोमेटिकली अगर आपकी सिस्टम की कंपेटेबिलिटी नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली अगर स्टार्ट
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं तो ये सारी आपकी जो कॉन्फ़िगर सेटिंग होती है वो करता है। मैनुअल मैनुअल आपका डिस्प्ले करता है आपको गाइडेंस बुक, एक आपके सामने पीडीएफ का एक बुक को ओपन होगी जिसमें प्रिंटर को इंस्टॉल करने के तरीके बताएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। तो आपने सबसे पहले ऑप्शन चूज़ करना है इजी इंस्टॉल, क्योंकि हमें प्रिंटर इंस्टॉल करना है और अदर में आपने नहीं जाना है। तो आप इजी इंस्टॉल को आप एक बार क्लिक कीजिए, तो आप देखिए ये बता रहा है प्रिंटर। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइड करवाएगा, एक आएगा आपका प्रिंटर डिवाइडर ड्राइवर्स और ई मैनुअल, हमें दोनों चाहिए तो ये दोनों को सबसे पहले इंस्टॉल करेगा। इसके बाद ये नीचे आपका जो है नेक्स्ट का इंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये सम इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दी गई हैं, इनको रीड करने के बाद आपने इसको ओके करना है, यस करना है। तो ये जो सेटअप है प्रिंटर का ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और विद इन मिनट्स ये आपके सामने प्रिंटर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके आप आराम से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शंस, तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस आपके सामने फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये प्रिंटर जो है ये है वाईफाई, वाईफाई कनेक्शन। अगर आपने वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर वाईफाई मॉडम है तो आप वाईफाई लैन को कनेक्ट कर सकते हैं, या वाईफाई जो आपका वायरलेस लैन, ये वायरलेस कनेक्शन हो गया, वायरलेस कनेक्शन और यूएसबी कनेक्शन, आप नेट के थ्रू विदाउट वायर लैन यूज करना चाहते हैं या यूएसबी कनेक्शन, इनमें से दो को आप चूज करना है। अगर आपके पास नेट लगा है, मॉडम लगा है, तब आप इस चीज को चूज कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है मैनुअल ढंग से इसको यूएसबी में कनेक्ट करना है। पहले आप यूएसबी कनेक्शन कर लीजिए, उसके बाद आप वाईफाई लैन कनेक्शन को करना है वो दोबारा से डाल के। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ यूएसबी, क्योंकि मैं अभी यूएसबी को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यूएसबी को क्लिक करके और ये नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट होने के बाद मुझे एक और ऑप्शन बोलेगा, ये ऑटोमेटिकली जो सेव करेगा, नेक्स्ट करूंगा। ये जो है आपका प्रोसेसिंग जो है प्रिंटर की अब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। तो विद इन मिनट्स आपके सामने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी, वैसे वैसे आप उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करके आप बड़े आराम से प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये तीन ऑप्शन और बता रहे हैं, एक बता रहा है स्टैंडर्ड, एक कस्टमर और एक यूएसबी कनेक्शन। स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि सर्च प्रिंटर, अगर आपका प्रिंटर सर्च नहीं कर रहा है, अगर प्रिंटर नहीं आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड प्रिंटर को क्लिक कीजिए। कस्टमर प्रिंटर होता है कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप नेटवर्किंग प्रिंटर बनाना चाहते हैं तो आप कस्टमर में जाइए, उसमें आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो नहीं, हम जब ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हम कई बार प्रिंटर को ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आईपी एड्रेस डालना पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज हमें यूएसबी कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हमने यूएसबी अभी कनेक्ट किया है, तो आप इसको यूएसबी कनेक्ट करके इसको नेक्स्ट कीजिए। सिंपल, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, येस और ओके कीजिए। ये देखिए आपका प्रिंटर जो है यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो शायद अब इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस ना मांगे, अगर मांगेगा इंस्ट्रक्शंस कुछ तो आप उसको बिल्कुल केयरफुली रीड करके आप प्रिंटर इंस्टॉल कीजिए। ये देखिए थ्री स्टेप्स दिए गए हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रिंटर को कनेक्ट कर देगा और आपका टेस्ट पेपर भी निकाल देगा विद इन मिनट्स। वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉच। तो ये ड्राइवर मांग रहा है सी ड्राइव में, सारे प्रोग्राम हमारे सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली ये सी ड्राइव में, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज़र में जाके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी सी ड्राइव में सिंपल वे से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल मैनुअल वे, हमारा प्रिंटर जो मैनुअल वे से इंस्टॉल हो चुका है और इसको आप एग्जिट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट कीजिए। अब लाइसेंस एक्सेप्ट, आपके पास दो ऑप्शन दिए गए, यहाँ एक्सेप्ट दिया गया, डू नॉट एक्सेप्ट, अभी हमने एक्सेप्ट करना है और सेंड टू इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉन्फ़िगर वंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको एक्सेप्ट करके इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक प्रिंट आपका ले लेगा।
आपके प्रिंटर से, आपने यहाँ क्लिक कीजिए सेंड इन्फॉर्मेशन विदाउट कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन आवर इंस्टॉल्स, आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। तो वेट एंड वॉच, हमारा प्रिंटर जो है मैनुअल, जो हमारा प्रिंटर ड्राइवर और ई मैनुअल जो है हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे टिक मार्क हो गया है, चेक बॉक्स क्लिक हो गया है, जहाँ पे टिक हो गया तो दैट मीन हमारे ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो गया। आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए और आप इसको रिस्टार्ट अ कंप्यूटर, इसके बाद आप क्लिक करके रिस्टार्ट कर लीजिए ताकि ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट शो करें। Do you want to change print installation? No. आप इसको फोर्स क्लिक करके ओके कीजिए तो ये कंप्यूटर भी ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंटर को भी ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। तो ये विंडो स्टार्ट हो रही है और ये स्टार्ट होगा तो हमारे पास जो है एक यहाँ पे फाइल इंसर्ट हो जाएगी, जो हमारे पास प्रिंटर की मैनुअल रिपोर्ट, जब आप इसको क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दी होगी। ये जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक ये शो नहीं करेगी, अगर आप ऑनलाइन आए तभी ये शो करेगी पूरे प्रिंटर की इंस्ट्रक्शंस, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रिंटर को स्टार्ट करने में होती हैं। तो अब आप एक प्रिंट ले लीजिए, छोटा सा पेज कोई भी आप टाइप करके, तो ये है, दिस इज अ वे कि कैसे आप एक प्रिंटर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप स्टार्ट बटन में जाइए, स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम कीजिए, ऑल प्रोग्राम करने के बाद जैसे आप आएंगे बैक तो यहां देखिए कैनल, कैनल का जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ये देखिए ये कैनल के ड्राइवर जो है हमारे पास शो हो गए। तो ये हमारा जो है प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं प्रिंटर हमारा कहाँ है तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए, ये कंट्रोल पैनल को क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास प्रिंटिंग का, तो यहाँ आपके पास एक प्रिंटर का ऑप्शन होगा ड्राइव डिवाइस एंड प्रिंटर, आप इसको क्लिक कीजिए। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर जो है यहाँ पे सारे जितने भी प्रिंटर आपके लिंक होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम इसका एक प्रिंट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है तो इसका कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो आपका देखिए ये प्रिंटर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ पे प्रिंटर का जो नेम और नंबर होगा वो शो होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो जो प्रिंटर होंगे वो ऑटोमेटिकली सब भी प्रिंटर, अगर आपके पास दो या तीन प्रिंटर है तो आप किसी अदर प्रिंटर पर अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। ये बहुत सिंपल है, जब भी आप प्रिंट लें इस कंट्रोल पी, कंट्रोल पी फॉर प्रिंटर, एक शॉर्टकट की को यूज़ कीजिए और यहाँ पे प्रिंटर आ गया और यहाँ पे हम लोग करंट पेज को क्लिक कर रहे हैं और करंट पेज के बाद हम ओके करेंगे, अब ये प्रिंट आपके सामने निकल जाएगा। तो हमने ओके किया है तो ये आपका प्रिंटर फुली इंस्टॉल हो गया। हमने काफी ज्यादा तो आपका प्रिंट जो है ये आपका ओपन हो गया। देखिए बहुत बढ़िया प्रिंट है, जो आपका डेस्कटॉप पे है या पीसी पे है वही आपका प्रिंट निकल गया। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा टाइम निकाला। मैं जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, नरेंद्र सिंह संधू मेरा नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं डेजिग्नेशन है गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज चंबा में काम कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली पीएचडी में इन्वॉल्व हूँ और अभी साई यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को फिर से फॉलो करें, नई चीज़ और नया टेक्नोलॉजी के साथ मैं आपको जोड़ूंगा।